बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। ये फेमस शायरी आजकल पावर स्टार पवन सिंह पर सटीक बैठती है, क्योंकि बीते दिनों उनकी पसंदीदा पार्टी बीजेपी ने जो उनके साथ किया वो बताने की जरूरत नहीं। और अब तो पावर स्टार पवन सिंह ने अपने बगावती तेवर अपनाते हुए बीजेपी के साफ अल्टीमेटम देते हुए कराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद से कई तरह की राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। कई तरह की अटकलें लग रही हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि उनको अपनी माँ का सपना जो पूरा करना है, लेकिन कराकाट की सीट से ही क्यों चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर सियासी हलकों में एक और कहानी चल रही है और कहा जा रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पवन सिंह ने जो चुनाव लड़ने की सीट चुनी है वहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं आरएलएम के दिग्गज उपेंद्र कुशवाहा। मतलब यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, और जैसा कि आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में इस बार सिर्फ इसी एक सीट से संतोष करना पड़ा है। और जैसा उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास रहा है वो बताता है कि वो एक जगह टिक कर राजनीति नहीं करते, मतलब उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी को ये हमेशा संशय रहता है कि ये कभी भी एनडीए छोड़ सकते हैं, और उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, जैसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। और बस इसी कारण से बीजेपी हो सकता है कराकाट से पवन सिंह को बैकडोर से चुनाव लड़वा रही है, ताकि अगर पवन सिंह जीते भी तो बीजेपी को ही फायदा हो। और हमने आपको बताया ही है कि कराकाट में राजपूत समेत स्वर्ण वोटरों का वोट भी चुनावी जीत में कुर्मी कुशवाहा वोट की तरह एक अहम भूमिका निभाता है। वैसे ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के टिकट पर। खैर, जानकारी के लिए आपको बता दें, कहा तो ये भी जाता है वो बीजेपी ही थी जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेएडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशियों के अगेंस्ट चुनाव लड़वाया था, जिसके कारण ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और एक तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बिहार की राजनीति में पतन होने लगा। बता दें चिराग पासवान उस चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं थे। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।